हमारे पश्चिम बंगाल और गुजरात में ज्यादा जगह बारिश के आसार, राजस्थान में अनेक स्थानों पर होगी बरसात, विदर्भ के ऊपर चक्रवात की स्थिति, आसपास के कई राज्यों में तेज बारिश के संकेत। मध्य महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में कुछ जगह तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे, कर्नाटक के बीदर में 18 डिग्री पहुंचा तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान, मौसम खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति और किसानों के लिए क्या है कृषि सलाह। शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। विदर्भ के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, इसके साथ ही आपको बता दें कि इसकी वजह से आसपास के कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा है। कोंकण और गुजरात में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। राजस्थान के गिने चुने इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश संभव। असम और मेघालय में भी जहां तहां तेज हवाओं के साथ हो सकती है बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश और तेज हवाओं के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अंदेशा। और अब बात बारिश पूर्वानुमान की, जानते हैं अगले दो दिन कहां होगी ज्यादा बरसात और कहां बरसेंगे कम बादल। आइए देखते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में बुधवार को अनेक जगह बादल बरसेंगे, जबकि विदर्भ में अगले दो दिन जहां तहां बरसात हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दो दिन कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिमी मध्य प्रदेश में बुधवार को अनेक स्थानों पर बारिश होगी। इसी तरह पूर्वी राजस्थान में अगले दो दिनों के दौरान अनेक जगह पानी बरसेगा, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में भी इक्का दुक्का स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ एक स्थानों पर बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत की बात करें तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में दो दिन ज्यादातर जगह बारिश होगी। गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में कई स्थानों पर पानी बरसेगा, लेकिन बिहार में गुरुवार को अनेक जगह बारिश के आसार हैं। पूर्वोत्तर में असम और मेघालय के साथ साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में दो दिन अनेक हिस्सों में बारिश हो सकती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में कुछ ही स्थानों पर बारिश की उम्मीद है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का, जहां तटीय कर्नाटक के अलावा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कम जगहों पर बारिश होगी। केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनेक स्थानों पर बारिश होगी, जबकि रायलसीमा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ एक जगह बारिश के आसार हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि लक्षद्वीप में अनेक जगह बादल बरसेंगे। और अब बात मौसम के जाल की, पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर आइए डालते हैं एक नजर। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बरसात हुई, वहीं ओडिशा और झारखंड में भी अनेक जगहों पर बारिश हुई, बिहार में कहीं कहीं बारिश हुई। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ज्यादातर इलाकों में बरसात हुई। असम और मेघालय के अनेक हिस्सों में पानी बरसा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अनेक जगह हुई बारिश। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के अधिकतर इलाकों में बादल बरसे। कोंकण और गोवा में भी ज्यादातर हिस्सों में बारिश देखी गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अनेक जगह हुई बरसात। पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश हुई।
बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की। यहाँ पर अधिकतर जगह बारिश हुई। तटीय कर्नाटक में भी ज्यादातर इलाकों में हुई बरसात। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में जहां तहां बारिश हुई। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पानी बरसा। और आइए अब जानते हैं कि देश के किस हिस्से में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। मध्य महाराष्ट्र के कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम दर्ज किया गया। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कई इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे मापा गया। उत्तरी कर्नाटक के अंदरूनी हिस्सों में अनेक जगहों पर यह तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम रहा। वहीं अब बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं दिन का तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। वहीं मराठवाड़ा के ज्यादातर इलाकों में ये तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री कम मापा गया। तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कई स्थानों पर इसी तरह का तापमान दर्ज किया गया। बिहार में जहां तहां अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके विपरीत गुजरात और मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। राजस्थान, विदर्भ और छत्तीसगढ़ के अनेक हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री अधिक मापा गया। ओडिशा के बहुत से इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा था। इस बीच देश में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक रहा। वहीं गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ऊपर मापा गया। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा था। आगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री अधिक रहा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी इसी तरह का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। केरल के भी कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ हिस्सों में रात का तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री कम रहा। तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी कुछ स्थानों पर रात का पारा सामान्य से 1.5 से 3 डिग्री नीचे था। वहीं देश के मैदानी हिस्सों में सबसे कम तापमान कर्नाटक के बीदर में रहा। यहां 18 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की और साथ ही बताएंगे आपको टमाटर की खेती के बारे में। बने रहे मौसम खबर के साथ। एआईसी के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण, भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव, रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट एडिशन, देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। बरसात के मौसम में फसलों की ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। आज हम आपको मध्य प्रदेश ले चलेंगे और जानेंगे कि वहां के खेतों में इस समय कौन कौन से कृषि कार्य किए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश की निमाड़ घाटी में कुछ स्थानों पर सोयाबीन, मक्का, अरहर और प्याज में सफेद ग्रब का हमला दिखाई दे रहा है। वैज्ञानिक सलाह से तुरंत उचित दवा का छिड़काव करें।
कपास की फसल में पीलेपन की समस्या हो रही हो तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करना होगा। अगर पौधे सूखने की समस्या आ रही है तब भी इसी दवा का छिड़काव किया जा सकता है। सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज या एरियल ब्लाइट और चारकोल सड़न के लक्षण दिखाई देने पर टेबुकोनाजोल का छिड़काव करें। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लहसुन बोने की तैयारी हो रही है, किसान 20 अक्टूबर तक इसकी बुआई जरूर पूरी कर ले। निर्माण के लिए G282, G323, महादेवी, आमलता और हिमाचल जैसी किस्में लगा सकते हैं। यहाँ के किसान इस समय फलों के नए पौधे रोपने के लिए गड्ढे खोद ले और हर गड्ढे में 15 से 20 किलो के हिसाब से देसी खाद डाल दे। राज्य के सतपुड़ा पठारी इलाके में अगेती मटर, आलू और प्याज 15 से 20 सितंबर तक बो ले। आलू के बीज को पेंसी क्विरॉन से जरूर उपचारित कर ले। आम के बागों में सूखी और रोग से ग्रस्त टहनियों को तोड़कर अलग कर दे। सोयाबीन में कैटरपिलर से निपटने के लिए प्रति एकड़ 8 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। बुंदेलखंड में मूंगफली के खेतों में दीमक की शिकायत मिल रही है, बचाव के लिए फोरेट 10G का इस्तेमाल करें। यहीं पर बैंगन, मिर्च और टमाटर में चुर्रा मुर्रा बीमारी लग सकती है। इस बीमारी में पत्तियां मुड़ जाती हैं। फसल की निगरानी रखें और प्रकोप होने पर कृषि वैज्ञानिक से सलाह लें। बुंदेलखंड में इस समय बैंगन, टमाटर, मिर्च, फूलगोभी और पत्ता गोभी की रुपाई की जा सकती है। मध्य नर्मदा इलाके में गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाने का काम करें। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 पिरीबाग सोडियम 10% SC का छिड़काव किया जा सकता है। राज्य के झाबुआ पहाड़ी हिस्सों में नाइट्रोजन की बाकी 1/3 खुराक डाल दें। झाबुआ में ही पालक, भिंडी, ग्वार और कद्दू वर्गीय सब्जियों में भी उर्वरक डाल दें। और बात आज की फसल की। टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में गिनी जाने वाली फसल है। व्यवसायिक रूप से भी इसकी खेती का विशेष स्थान है। टमाटर पूरे भारत में बोया जाता है और इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व औषधीय गुणों से भरपूर है और इसमें विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। आज हम बात करेंगे टमाटर की। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। एक हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोत कर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे, बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को खाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं, इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब बात करते हैं मौसम अनुसार खेती की। और आज इसमें बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में धान को लग सकता है पीला तना भेदक कीट और इससे बचाने के लिए हमारे किसान लगातार फसल पर नजर बनाए रखते हैं और फेरोमोन ट्रैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धान में झुलसा रोग भी हो सकता है, इसका भी हमला हो सकता है फसल पर और हमारे किसान इसको लेकर भी नजर बनाए रखे। ऐसे में रोकथाम के लिए किसान स्यूडोमोनास का छिड़काव करें।
20 से 25 दिन पहले बोई अरहर, मूंग और उड़द में खरपतवार का नियंत्रण करें। खरपतवार अगर बढ़ रहा हो तो उसे निकाल दें और घुटनों की ऊंचाई तक होने पर मक्का में नाइट्रोजन डालें। वही छत्तीसगढ़ के किसान फूलगोभी की नर्सरी बोने का भी काम करें। अमरूद और अनार में पुराने फूलों को हटाकर अलग कर दें। राज्य में कोदो अनाज की बुआई तुरंत पूरी करें। और यहाँ मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे खेती और मौसम जुड़ी खास खबरों पर। बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। थोड़ा सा ब्रेक। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और बात करते हैं मौसम के लिहाज से खेती की। यहां बिहार के किसानों को बताया जा रहा है कि बिहार में बाढ़ से मर चुके धान के पौधों की जगह दूसरे पौध रोपें। केले में विल्ट रोग के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। बारिश की संभावना को देखते हुए मक्का से जल निकासी का इंतजाम करें। बिहार के किसान मिर्च, बैंगन और टमाटर की रोपाई करते रहें। अगेती फूलगोभी की रोपाई के लिए भी ये समय उचित है। बैंगन, भिंडी और टमाटर में फल भेदक के लिए स्पिनोसेट छिड़कें। दलहनी फसलों में बुआई के 25 से 30 दिन बाद खरपतवार निकालें। मोजैक से ग्रसित मूंग और उड़द के पौधों को खाड़ कर नष्ट कर दें। गन्ने में जड़ गलन रोग के लिए वैज्ञानिक सलाह से दवा का छिड़काव करें। 110-120 दिन की हो चुकी जूट की फसल की अब कटाई कर लें। कटाई करने का ये उचित समय है। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम के अहम झलकियों पर। विदर्भ के ऊपर चक्रवात की स्थिति बनी हुई है, इसकी वजह से आसपास के कई राज्यों में भारी बारिश का अंदेशा है। कोंकण और गुजरात में कहीं कहीं हो सकती है भारी बरसात। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ जगह तेज हवाओं के साथ होगी बारिश। हरियाणा और दिल्ली में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। राजस्थान के गिने चुने इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान। गंगे पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुछ जगह तेज हवाओं के साथ बारिश संभव। असम और मेघालय में भी जहां तहां तेज हवाओं के साथ हो सकती है बरसात। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश और तेज हवाओं के आसार। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का अंदेशा। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको एक QR कोड हम दिखा रहे हैं, इस QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ।
आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पुराने कार्यक्रम भी YouTube पर देख सकते हैं। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।